अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 18,000 छात्रों के गीता पाठ के साथ हुआ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मुख्य अतिथि रही। सुषमा स्वराज ने श्रीमद् भगवद गीता को विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक यहाँ पर ग्रंथ बताया, दार्शनिक ग्रंथ बताया। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा दार्शनिक बताया। समारोह में बाबा रामदेव, उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर गणेशी लाल और सुधांशु महाराज समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कुरुक्षेत्र का थीम पार्क उस समय गीतामय हो गया जब 18,000 छात्र बच्चों ने एक ही स्वर में गीता का पाठ किया। गीता के 18 अध्याय के 18 श्लोकों को सुनने के लिए मंच पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद थे। उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, गीता मनीषी ज्ञानचंद महाराज, परमार्थ निकेतन के चिन्मयानंद और अन्य गणमान्य लोग मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बताया और भगवान श्री कृष्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक। उन्होंने कहा कि वो श्रीमद् भगवद गीता के रोज 2 श्लोक पढ़ती हैं, उसका मनन करती है। गीता को पढ़ना, सुनना और ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा गीता को अपने जीवन में उतारना है। विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, उसी में भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा दार्शनिक कहा जाता है। तो आप लोग गीता पढ़े, दोनों श्लोक पढ़े, लेकिन गीता प्रेरणा से जरूर पढ़े। बाबा रामदेव ने कहा कि गीता कर्म और पुरुषार्थ करने को कहती है। पार्क में बैठे छात्रों को बाबा रामदेव ने जीवन में नंबर वन रहने की प्रेरणा दी और कहा कि गीता लोगों को कर्म और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है। ये भगवान कृष्ण के ही जन्म का प्रयोजन नहीं, हमारे ही जन्म का प्रयोजन है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं हम उसका तो गौरव बढ़ाए ही। हम इस धरती पर पैदा होकर के धरती माता, भारत माता, गीता माता, वेद माता, अपने पूर्वजों का गौरव बढ़ाएं, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य परमात्मा ने हम सबको दिया है। समापन समारोह में अन्य संतों ने भी गीता के माध्यम से छात्रों को प्रेरणा दी, लेकिन महोत्सव में असल समा तब बंधा जब 18,000 बच्चों ने गीता पाठ किया। राजीव अरोड़ा, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र। मयि अर्पितमनो बुद्धिः।